हेलो फ्रेंड्स, पाइथन के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कि पाइथन में टपल्स क्या होते हैं। व्हाट इज टपल, हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू एक्सेस। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज टपल। तो चलिए जानते हैं टपल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला है, टपल्स आर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। टपल्स क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज हैं। जैसे लिस्ट होती है हमारी पाइथन में, उसी तरीके से टपल्स होते हैं। ओके, और इसमें भी जो है हम कैन बी एनी टाइप। इसमें जो डेटा टाइप है, जो वैल्यू टाइप होती है, वो कोई भी हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यूज हम इसमें रख सकते हैं। इंडेक्स्ड बाय इंटीजर्स, और जो टपल्स होते हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए या उन्हें पोजीशन देने के लिए उनकी वैल्यूज़ को हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। और ये जो है इंटीजर नंबर से की जाती है, और ये इंटीजर नंबर्स जो है जीरो से स्टार्ट होते हैं और एन तक हो सकते हैं। टपल्स आर इम्यूटेबल, और जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है टपल्स की वो क्या है कि ये इम्यूटेबल्स हैं। इनके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें आप बदल नहीं सकते, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से टपल बनाते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं कि टपल कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ कोई वेरिएबल लेंगे हम, तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम ले लिया टप वेल, टपल वेरिएबल। ओके, और इस तरीके से आप इसमें वैल्यू दे सकते हैं, ए बी थ्री सी फोर, इस तरीके से वैल्यू हम अपने टपल में दे सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा ये वैल्यूज टपल हैं या क्या है? तो आप सिंपली इस तरह से भी टपल की वैल्यूज दे सकते हैं, या फिर आप इस तरह से दे सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे सारी वैल्यूज इस तरह से। इस तरीके से भी हम टपल डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम ये ब्रैकेट्स यूज नहीं करते हैं तो भी आप इस तरीके से टपल्स को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मगर इस तरीके से अगर आप ब्रैकेट्स यूज करते हैं तो इससे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है। कोई भी इसे देख के आसानी से समझ सकता है कि अगर ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यूज दी गई हैं, इस वेरिएबल को असाइन की गई हैं, तो वो एक टपल है। ओके, तो आप जो है इसे प्रेफर करेंगे। अब प्रेफर जो टपल वेरिएबल है उसे बनाने के लिए हम फंक्शन यूज कर सकते हैं, जिसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं। टपल किस तरीके से बना सकते हैं? इस तरह से हमारे पास कोई वेरिएबल है टैप वेर, और आप इस तरीके से कर सकते हैं टपल। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है टपल का, तो आप इसे कॉल करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से भी दे सकते हैं। अगर आपको ये टपल क्रिएट करना है तो ये टपल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, जो किस तरह का होगा, एम्प्टी टपल होगा। ओके, जिसमें कोई भी वैल्यूज नहीं होंगी। इस तरह से भी कर सकते हैं, जिसमें हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, टपल वेरिएबल इक्वल टू इस तरीके से टपल, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंगो। ओके, इस तरीके से तो एक टपल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, और इसके अंदर जो वैल्यूज असाइन होंगी इस टपल वेरिएबल में, वो किस तरीके से होंगी, इस तरीके से इसमें होगा। ये आपने सिंगल स्ट्रिंग ली हुई है तो इसमें वैल्यूज इस तरीके से होंगी, एम ए एन जी एंड ओ, करेक्टर्स, अलग अलग करेक्टर्स यहाँ पर जो इस तरीके से असाइन हो जाएंगे। ओके, अब ये तो हो गया टपल बनाने का तरीका एक सिंपल तरीके से, और दूसरा इसके कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल करके आप इसे बना सकते हैं। अब अगर सिंगल वैल्यू टपल है, अगर इस तरीके से है, टप वेर इज इक्वल टू, और इस तरीके से आपको वैल्यू दे रहे हैं ए, इस तरीके से, तो ये गलत तरीका है। इस तरीके से करने का मतलब है कि जब भी आप ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू इस तरीके से कोटेशन मार्क्स में लेते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग रीड की जाती है, तो आपका जो सिस्टम है वो इसे स्ट्रिंग वैल्यू की तरह रीड करेगा। मगर आपको अगर सिंगल वैल्यू का टपल बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, इस तरह से वैल्यू आपने दी सिंगल और यहाँ पर कॉमा लगा दिया, इसका मतलब जो सिस्टम है वो समझ जाएगा कि ये जो है टपल वेरिएबल है, जहाँ पर एक वैल्यू है इस टपल में। ओके, तो ये कॉमा लगाना जरूरी है, अदरवाइज सिस्टम इसको एज ए स्ट्रिंग काउंट करेगा। ओके,
अब इस तरीके से अगर आपने कोई वैल्यूज असाइन की हैं, जैसे अगर ये वैल्यू मैंने टपल में इस तरह से असाइन की है तो इसकी इंडेक्सिंग इस तरीके से हो जाएगी, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू, थ्री और फोर। ओके, तो इस तरीके से आपके जो है इंडेक्सिंग हो जाएगी। अब टपल को किस तरीके से एक्सेस करते हैं और कैसे इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं तो देखते हैं। अब देखिए हमारे पास कोई टपल है इस तरह से, टैप वैप इक्वल्स, इस तरह से कोई वैल्यूज हैं हमारे पास ए बी थ्री सी एंड फोर। ओके, तो इनकी इंडेक्सिंग इस तरह से होगी, जीरो वन टू थ्री फोर। अगर मान लीजिए हमें इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप किस तरीके से एक्सेस करेंगे इसको, टैप वेयर और इसकी इंडेक्स की वैल्यू देंगे आप टू। ओके, तो यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा थ्री। अगर यहाँ पर इसकी इंडेक्स की वैल्यू अगर आप वन देंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी वी। ओके, तो इस तरीके से आप जो है अपने टपल को, उसकी वैल्यूज जो आपके टपल्स में हैं उन्हें आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आप इस तरह से करते हैं, कोई वेरिएबल टी है आपके पास और आप इस तरह से करते हैं, सॉरी आपके पास टपल वेरिएबल है टैप वेयर, और इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, इस थ्री की जगह आप सेवन करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे टैप वेयर दिस इज इक्वल टू सेवन। ओके, तो जैसे ही आप ये करेंगे आपको एरर मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि टपल्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं, आप टपल्स को चेंज नहीं कर सकते, उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप अपने इस टपल में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है आपका, गलत है, यहाँ से आपको सिस्टम आपको जो है एरर मैसेज रिटर्न करेगा। बट आप अगर ऐसा चाहें कि पूरे टपल में टपल को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं इस तरीके से टैप वायर इक्वल टू न्यू टपल आप इसमें दे सकते हैं इस तरह से, ए बी और सी। ओके, तो ये सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। आप इसको रीअसाइन कर सकते हैं इस वेरिएबल को, मगर इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर कोई वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा टपल्स पाइथन में क्या होते हैं और किस तरीके से बनाते हैं, उन्हें कैसे एक्सेस करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।